अगर आप रनिंग करते हो और रनिंग करते वक्त आपके पेट में दर्द होता है, आपके सीने में दर्द होता है या फिर आपके पैर में दर्द होता है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बताऊंगा जिससे आपकी ये समस्या पूरी तरीके से दूर हो जाएगी और साथ ही साथ आपकी रनिंग और भी ज्यादा बेहतर हो जाने वाली है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि रनिंग करते वक्त आपके सीने और पेट में दर्द क्यों होता है, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। क्योंकि जब तक हम लोगों को किसी प्रॉब्लम के एक्चुअल रीजन के बारे में पता नहीं होगा, तब तक हम उस प्रॉब्लम को कभी भी सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो देखिए, रनिंग करते वक्त जब आपके सीने और पेट में दर्द होती है तो इसके सिर्फ दो ही कारण हैं। सबसे पहला, आपके पेट में गैस होता है और जब आप रनिंग करते हो तो उस गैस में प्रेशर पड़ती है और जिसके वजह से आपके सीने में दर्द होने लगती है, आपके पेट में दर्द होने लगता है। और दूसरा कारण जो है वह है कि आप गलत तरीके से सांस लेते हो और जिससे आपकी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन होता है वो ऑक्सीजन को ठीक से एक्सेप्ट नहीं कर पाती है और जिसके वजह से आपके बॉडी में, आपके पेट में, सीने में दर्द शुरू हो जाती है। तो अब बात करते हैं कि आप इसे ठीक कैसे कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहली चीज कि आप अपने खाने को चबा चबा कर खाएं। आप अगर एक बाइट लेते हो खाने का तो उसे 32 बार चबाएं और फिर अपने पेट के अंदर लें। और ऐसा इसलिए क्योंकि आयुर्वेदिक के अनुसार अगर आप अपने खाने को 32 बार चबाते हो तो वह 60% तक आपके मुंह में ही पच जाती है और बाकी का 40% आपका बॉडी इजीली पचा लेता है। और अगर आपके खाने सही से पचेंगे तो इससे आपको सही एनर्जी भी मिलेगी और साथ ही साथ आपके पेट में गैस नहीं होगा। और अगर आपके पेट में गैस नहीं होता है तो इससे आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। सबसे पहली तो आप रनिंग के वक्त जो आपके पेट में दर्द होता है, सीने में दर्द होता है, ये कभी भी नहीं होगी। और एक चीज जो कि आपको ध्यान रखना है कि आपको कभी भी खाते वक्त पानी नहीं पीना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आपके भोजन में जो लार होती है वो पानी से मिलने के वजह से बहुत ज्यादा पतली हो जाती है और जिसके वजह से आपके खाने को पचाने में उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और आपका खाना सही से नहीं पचता है। इसीलिए कभी भी खाते वक्त पानी ना पिए, खाने से कम आधा घंटा पहले पानी पी लें या फिर खाने के एक घंटे बाद पानी पिए। अब यहाँ पे दूसरी बात आती है, सांस लेने का तरीका, जिससे कि आपके सीने में दर्द ना हो। तो देखिए, मैं आपको दो तरीके के रनिंग के लिए सांस लेने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहला लॉन्ग रनिंग और दूसरा शॉर्ट रनिंग यानी कि स्प्रिंटिंग। तो जब आप लॉन्ग रनिंग करें तो स्टार्टिंग के जो रनिंग है आपको मैं एग्जांपल से बताता हूँ, तब जाके आपको अच्छी तरीके से समझ आएगी। जैसे कि 5 किलोमीटर का लॉन्ग रनिंग है तो आपको इसमें स्टार्टिंग में लगभग 3 किलोमीटर तक आपको अपने नाक से सांस को लेना है और नाक से सांस को छोड़ना है, क्योंकि शुरू शुरू में आपकी बॉडी में बहुत स्टेमिना होती है और ऑक्सीजन की उतना अधिक नीड नहीं होती है। इसके बाद जैसे ही आप 3 किलोमीटर लगभग रनिंग कर लो, आपको ऐसा फील हो कि आपका बॉडी थक रहा है, तो आपको उस वक्त आपको अपने नाक और मुंह दोनों से सांस को लेना है। लेकिन कैसे, वो आप ध्यान से सुनिए। आपको अपने नाक से 70% सांस को लेना है और 70% सांस को छोड़ना है और बाकी के 30% जो बचे हैं वो आपको अपने मुंह से लेना है और मुंह से छोड़ना है। मतलब आपको अपने मुंह से ज्यादा सांस नहीं लेना है, बल्कि आपका मुंह सिर्फ सपोर्ट के लिए होगा। तो ये बात हो गई लॉन्ग रनिंग की। अब बात करते हैं शॉर्ट रनिंग की। तो देखिए, आपको शॉर्ट रनिंग में किस तरीके से सांस लेनी है। तो आपको शॉर्ट रनिंग में आपको अपने नाक और मुंह दोनों से सांस को लेना है, लेकिन उस एंड वाले तरीके से, यानी कि आपको 70% अपने नाक से सांस लेना है और 30% अपने मुंह से सांस लेना है और उसी तरीके से आपको अपने नाक और मुंह से सांस को छोड़ना है। तो अगर आप इस तरीके से सांस लेते हो तो आपकी सांसें भी कभी नहीं फूलेगी और साथ ही साथ आपके सीने में, आपके पेट में कभी भी रनिंग करते वक्त दर्द नहीं होगा। और अगर आपका रनिंग करते वक्त बहुत अधिक सांसें फूलती है तो रनिंग से 20 मिनट पहले प्राणायाम जरूर कर लें। आप प्राणायाम में अनुलोम विलोम कर सकते हो। इसे करने के लिए आपको सिंपल से कहीं पर भी अपने रीढ़ के हड्डी को सीधा करके पूरी तरीके से बैठ जाना है और फिर आपको अपने एक हाथ से अपने नाक के एक छेद को बंद करना है और दूसरे छेद से गहरी सांस लेना है और फिर उस छेद को बंद करते हुए दूसरे छेद जिसे आपने बंद करके रखा था उस छेद से सांस को छोड़ना है। और इस तरीके से आपको कम से कम इसे 7-8 मिनट तक रिपीट करनी है। प्राणायाम करने से आपके फेफड़े एक्सपेंड हो जाते हैं और जिससे उसमें ऑक्सीजन की
मात्रा अधिक आती है। और रनिंग करते वक्त अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी तो आपकी कभी सांसें भी नहीं फूलेगी और आपको किसी भी प्रकार का तकलीफ कोई भी नहीं होगा। तो अब बात करते हैं पैर के दर्द के बारे में कि इसे आप कैसे ठीक कर सकते हो। तो देखिए, आपके रनिंग के वक्त आपके पैरों में दर्द इसलिए होता है क्योंकि आप लोग रनिंग से पहले वार्म अप नहीं करते हो, स्ट्रेचिंग नहीं करते हो, रनिंग के बाद एक्सरसाइज को नहीं करते हो। क्योंकि जब आप रनिंग स्टार्ट करते हो ना तो उस वक्त आपका पैर पूरी तरीके से रिलैक्स मोड में होता है और ऐसे स्थिति में आप डायरेक्ट धड़ाधड़ रनिंग स्टार्ट कर दोगे ना तो आपके मसल्स डैमेज हो जाते हैं और जिसके वजह से आपके पैर में दर्द होने लगता है। इसलिए जब भी रनिंग करें तो रनिंग से पहले वार्म अप और स्ट्रेचिंग जरूर करें। आप इन एक्सरसाइज को कर सकते हो जो कि आपको स्क्रीन में दिखाया जा रहा है। और रनिंग के बाद और पहले आपको कौन कौन से एक्सरसाइज को करना चाहिए इसे बताकर मैं इस वीडियो को और ज्यादा लंबा नहीं करना चाहूंगा क्योंकि इस टॉपिक पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहे तो वहां से उस वीडियो को एक बार जरूर देख लें। और अगर आपके पैरों में रनिंग के बाद बहुत ज्यादा दर्द रहता है तो आपको एक काम करनी है कि आपको किसी बर्तन में गर्म पानी लेनी है और उसमें थोड़ा सा नमक डाल के अपने पैर को उसमें 5-7 मिनट तक डुबोकर रखना है और इसके अलावा आप तेल से मसाज भी कर सकते हो। तो अगर आप इन तरीकों को आजमाते हो तो आपको कभी भी इस तरह के समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो नीचे कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो और साथ ही इसी तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।